अब अनुमंडल के एसडीएम फूल फार्म में कहनी कि लाट साहेब हव बिना आईडी कार्ड के घूमता रह। स्वास्थ्य कर्मी के लगैनी फटकार, बड़ा खबर आ रहा बटुए डुमराओं से। एनजीओ कर्मी पे लागल संगीन आरोप के जांच करे खातिर पहुँचल रही अपर समाहर्ता सह एसडीएम। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार, कुछ झलक भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। डुमराव अनुमंडलीय अस्पताल में अपर समाहर्ता विभागीय जांच गिरिजेश कुमार सिंह आ एसडीएम राकेश कुमार जांच खातिर पहुँचनी। यह जांच के दौरान अधिकारी लचर विधि व्यवस्था के देख स्वास्थ्य विभाग के मातहत के जम के फटकार लगे। दोनों अधिकारी अपराहन 2:09 पे अस्पताल में दाखिल भईनी। यह दौरान कई वो मरीज शिकायत कैलन कि विभाग के तकनीकी पेच के कारण ना ही उनकर पूर्जा कटता आ ना ही डॉक्टर इलाज करता रह। नेहपो एसडीएम साहेब उखड़ी कबरी के बराबर हो गईनी। वहाँ के अस्पताल में जनरल फिजिशियन के पद पे तैनात डॉक्टर वीरेंद्र राम के जीवन के फटकार लगैनी। डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा कुछ दिन पहले अनुमंडलीय अस्पताल के निरीक्षण कैले रही। निरीक्षण के दौरान कई गो खामी मिलल रहे। वो खामी के उल्लेख करत विधायक डीएम के कार्रवाई खातिर प्रतिवेदन दिल रह। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में डीएम अंशुल अग्रवाल 2 सदस्यीय टीम के गठन करके संयुक्त जाँच के आदेश दिहनी। जाँच टीम में अपर समाहर्ता आ डुमराव एसडीएम के राखल गेल रहे। टीम के एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देवे खातिर डीएम आदेशित कैले रहे। विधायक डीएम के कार्रवाई खातिर लिखल गई प्रपत्र में कई गो गंभीर आरोप लगैले रहन। यही जांच खातिर अधिकारी अस्पताल पहुँचल रहन। अस्पताल में पहुँचल एसडीएम दवा वितरक के भी जम के फटकार लगैनी। कहनी कि बिना आईडी कार्ड के अस्पताल में पहुँचल तो कार्रवाई तय बा। जानकारी मिलल कि डॉक्टर से दिखावे खातिर ऑनलाइन पुर्जी कट रहल बा, लेकिन सर्वर डाउन रहे के कारण कई गो मरीज के पुर्जा ना कटल। ऐसे वो बिना दिखैले घरे वापस लौटत रह। यह पे एसडीएम अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह के फटकार लगैनी। कहनी कि का सर्वर नहीं खे तो अस्पताल ना चली। वही जे अपर समाहर्ता गिरिजेश कुमार सिंह डॉक्टर के लगातार गायब रहे के लेके भी डीएस से सवाल पूछनी। अपर समाहर्ता कहनी कि ऐसा सूचना बा कि सिर्फ एगो हड्डी के डॉक्टर ही जौन 6 दिन ड्यूटी करेलन, बाकी सब डॉक्टर ड्यूटी से परहेज करेलन। बाद में अपर समाहर्ता एसडीएम सफाई कर्मी के हक में हो रहल कटौती पे बारीकी से जांच कैली। विधायक के निरीक्षण के दौरान ये बात निकल के सामने आयल रहे कि अनुमंडल में 22 गो सफाई कर्मी के पद बा, लेकिन काम 12 गो महिला 2 गो पुरुषे करेलन, जौना में 1 गो सफाई कर्मी सुपरवाइजर के काम करेलन। सफाई कर्मी के 4500 रुपया कैश दिया जाला, लेकिन श्रम विभाग के आदेश के बाद सफाई कर्मी के खाता में 8500 रुपया आयल बा। महिला सफाई कर्मी आरोप लगावल लोग कि 8500 रुपया में खाता में प्राप्त भइला के बाद एनजीओ के द्वारा धमकी दे के आधा पैसा के मांग कैल जा रहा बा। सफाई कर्मी विधायक के भी बतैलन कि महिला रात में जनरेटर चलावे वाला भी ना आवेला, जनरेटर के संचालन भी इहे लोग के करे के पड़ेला। विधायक कहलन कि जांच के क्रम में पावल गई कि एनजीओ के व्यवहार बहुत ही अमानवीय बा, वेतन भुगतान के मामला में अस्पताल के प्रक्रिया भ्रष्टाचार में लिप्त बा। यह प्रक्रिया एनजीओ के साथ साथ अस्पताल कर्मी के संलिप्तता के भी संभावना बा, जेकरा बाद भइल कार्रवाई। अभी तो उसकी भी बात कर रहा हूँ।
कितना ओपीडी चलाते हैं? एक दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर हैं।